लर्नर्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। रोडवेल इंटर कॉलेज किरठल की ओर से भौतिक प्रवक्ता संदीप कुमार। प्यारे छात्रों, देखिए आप क्लास 12 में आ चुके हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें, इधर उधर ध्यान न दें। आने वाले समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, पहले चैप्टर है आपका विद्युत आवेश एवं विद्युत अक्षेत्र। देखिए विद्युत अक्षेत्र होता क्या है, विद्युत आवेश होता क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपना विद्युत अथवा चुंबकीय अक्षेत्र प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, वो कहलाता है आपका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है आपका, एक धनावेश एक ऋणावेश। हमेशा दो सजातीय आवेश परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इससे अगला पॉइंट है आपका पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए पदार्थ आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसको भी वहां पे तीन रूप में डिवाइड किया गया, लेकिन आप यहाँ पे पदार्थ को उसकी चालकता के गुण के आधार पर उसको डिवाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो पदार्थों को उनकी चालकता के आधार पर निम्न रूप में डिवाइड किया गया। नंबर एक है आपका चालक, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, आपके चालक कहलाते हैं। चालक में जैसे सोना चांदी तांबा लोहा आदि सब होते हैं आपके चालक। नंबर दो है आपका अचालक, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है अथवा बिल्कुल भी नहीं होती और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, वे कहलाते हैं आपके अचालक। जैसे आपके पास चमड़ा गंधक बैकलाइट आदि ये सब होते हैं आपके पास अचालक। नंबर तीन आपका प्राविद्युत, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नगण्य होती है और उनमें विद्युत धारा का प्रभाव भी नहीं होता, लेकिन विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के ही उनमें संचरित होता है, जैसे आपके पास कांच मोम रबड़ कागज आदि। नंबर चार है आपके पास अर्धचालक, अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से ज्यादा होती है, वे कहलाते हैं आपके अर्धचालक। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ पाई जाती है, जैसे अचालकों से अधिक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन और चालकों से कम होते हैं, जैसे आपके पास जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन आदि ये सब। ये आज का पॉइंट है हमारा कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या है, जब हमारे पास दो बिंदु आवेश प्रकृति में स्थित होते हैं तो उनके बीच कोई ना कोई बल कार्यरत होता है, उस बल वो उसके बीच क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित किया कूलाम ने, उसी को कहते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है, ये कूलाम का नियम है। आपने मान लिया यहां पर माना Q1 / Q2 दो बिंदु आवेश है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है, तब उनके बीच कार्य करने वाला जो विद्युत बल होगा आपके पास Q1 / Q2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कूलम्ब का नियम। अब इस अनुक्रमानुपातिक को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक नियतांक ले लिया स्मॉल के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, जो कि स्मॉल के यहाँ पर आपका है अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। इसका मान 1/4πε0 होता है। यहां पे 1/4πε0 के यदि आप निर्वात के लिए ले रहे हैं, जो आपके पास दो आवेश है उनके बीच में जो माध्यम है वो निर्वात या वायु है, तो कैपिटल के का मान 1 होगा, जो कि यहां पर कहलाता है कैपिटल के माध्यम का प्रावैद्युतांक। माध्यम का प्रावैद्युतांक और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये आप इसकी वैल्यू यूज करेंगे। और ये यहाँ पे ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान 8.854×10⁻¹2 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यदि आप कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में लिखेंगे, वैल्यू के की फॉर्मूले रखेंगे, f बराबर मिल जाएगा आपको 1/4πε0 के इंटू q1 q2/r2। यदि आप इसको सदिश रूप में लिखेंगे f बराबर 1/4πε0 के q1 q2/r2 इंटू यूनिट वेक्टर r, और इसका मात्रक होगा आपके पास न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, यह है सदिश राशि है। देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, जब एक रेखा के अनुदिश आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, और उस एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश के मान को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा बराबर du/dl, इसका मात्रक बन जाएगा यहाँ पे कूलम्ब पर मीटर। अब है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब कोई आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित हो जाए तो होता है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, और उस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर du/dA, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब आयतन आवेश घनत्व, जब कोई आवेश एक समान रूप से किसी आयतन पर वितरित होता है तो वो होता है हमारा आयतन आवेश वितरण, लेकिन एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश के मान को हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर du/dV, इसका मात्रक हो जाए कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। प्यारे छात्रों, आज का पॉइंट हमारा यहीं पर खत्म होता है, आशा करता हूं कि आप इसको साथ ही साथ अपना कार्य अच्छे से पूरा करते रहेंगे, और साथ ही अपने सभी साथियों को इस चैनल को शेयर करने के लिए बोलेंगे, तो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।